मैदान के अंदर जो जो लोग खड़े हुए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये हमारे सबके लिए बहुत अभिमान की बात है कि जिस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर रखा गया है उसका स्तर कैसा होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, छात्रों को क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, और अगर देखा जाए तो देश के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई सबसे विख्यात अगर कोई विश्वविद्यालय होना चाहिए तो डॉक्टर बाबा साहब, क्योंकि उनका नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम कितनी मेहनतों से मिला है ये मराठवाड़ा की पूरी जनता अच्छी तरह से जानती है। हकीकत यह है कि उसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज वो लोग आ रहे हैं जो इस नाम का विरोध करते हैं, जिन्होंने आंदोलन चलाई है कि नहीं ये विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज वही लोग इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए और जो जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वहाँ पर ये इलेक्शन कैसे जीते, हम तो पहली मरतबा ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको ये बात समझ में आ रही है कि विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह का कारोबार चलता है। अब शुरुआत के दौर के अंदर ही अगर देखा जाए तो जब वोटिंग लिस्ट तैयार की गई वो वोटिंग लिस्ट के ऊपर नज़र डाली गई तो हमारा विश्वविद्यालय से महामहिम राज्यपाल से सरकार से एक सवाल है। मैंने खुद में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निवेदन दिया था, ये कहा था कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर पास होकर निकलता है आप उसको सर्टिफिकेट देने के लिए उससे कुछ फीस लेते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 10 रुपये हो, 50 रुपये हो। अगर ग्रेजुएट आपकी यूनिवर्सिटी से हो रहा है तो उसी वक्त उसके आप ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो इलेक्शन के लिए काम आता है वही टाइम के ऊपर क्यों नहीं करा देते हैं? कि ऑटोमेटिकली जब वो डिग्री लेता है, डिग्री जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर जाती है वो लड़के का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो लड़का और वो लड़की कभी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बाहर निकलने वाले जितने भी दलित समाज के बच्चे हो, मुसलमान हो, पिछड़ी जाति के हो, आदिवासी हो, इन लोगों को इस लोकतंत्र के हिस्से से दूर रखा जाए। हम हमारी मर्जी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, विश्वविद्यालय के कुछ लोगों को जो टीचर्स है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनको अपने हाथों में लेंगे, किसका नाम रखना है, किसका काटना है। तो ये धंधे पिछले 10-15 सालों से चलते आ रहे हैं। हमने खुद ने अपना रजिस्ट्रेशन पिछले टाइम कराया है और ये टाइम के ऊपर नाम गए थे, कितने सारे लोगों की ये शिकायतें हैं। क्यों एक मतलब इलेक्शन कार्ड जब बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो वो जिंदगी भर के लिए रहता है, जब तक आप अपना एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, आपके नाम के अंदर करेक्शन नहीं रहेगा तो आपका इलेक्शन कार्ड रहता है। ये बार बार हर 5 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का क्यों? तो ये इसलिए किया जा रहा है कि इस आमदारकी की जो पद है, इस आमदारकी की पद के ऊपर कोई कुणाल खरात जैसा लड़का चुनकर नहीं आए। कुणाल खरात को कैसा दूर रखा जाए? या शारिफ नक्शबंदी में कभी है तो इस चुनाव के अंदर हिस्सा लेकर आ तो ये कभी जीत नहीं पाए। तो ये सब षड्यंत्र रच रहे। हमने आज लोगों के अंदर अवेयरनेस करने का काम किया है कि आज जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, इस आप अगर इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर देखेंगे तो कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, आप ये मानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर दिक्कत, दुविधाएं, परेशानियां अगर किसी को हो रही है तो वो हमारे दलित भाइयों को, जो बच्चे बच्चियां अलग अलग जिलों से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, या मुसलमानों के इश्यूज, वो लोग जो आज ये कह रहे हैं कि हमको मत दो, यहाँ पर क्या वजह है? आज वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे हिंदू मुसलमान के लीडर लगे हुए हैं। जब यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रही थी तो बताइएगा कि कौन सा नेता जो आज इस चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है जिसने ये मांग किया था कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आना चाहिए? आपकी सरकार थी, चाहे वो आज राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के या शिवसेना के उम्मीदवार हो, ये लोगों ने बताना चाहिए कि किसने इसको आने से रोका था। आपकी सत्ता थी, आप लेके आ सकते थे एक विश्वविद्यालय, लेकिन उस वक्त तो किसी ने भी, अगर आज वो विश्वविद्यालय आ जाता तो आज इतने सारे बच्चों को उसका फायदा होता। विश्वविद्यालय का नाम क्या है ये अहम नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आ जाती तो इंतजार दिल्ली कभी उसका विरोध नहीं करता क्योंकि उसके अंदर हिंदू नाम है। करके यहाँ की छोटी जहनीत के लोग जिन्होंने शिक्षा से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो खासदार के पद के ऊपर तक चले गए, विरोध इस बात के लिए किए कि नहीं इसके अंदर मुस्लिम शब्द है। देखिए पुरानी जमाने की एक यूनिवर्सिटी है उसका अगर नाम है तो आप नाम से ज्यादा उसका कार्य देखिएगा क्या है।
अगर वो आज विश्वविद्यालय आ जाता तो औरंगाबाद के विकास के अंदर, औरंगाबाद के शिक्षण क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा विकास होगा, बहुत सारे गरीब बच्चों को इसका फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हैं शहर के अंदर। मतलब देखिए, राजनीति भी किस तरह से अपना चेहरा बदलती है, अपना रूप बदलती है, अपना रंग बदलती है। मतलब तीन बड़े बड़े नेताओं के हमने तस्वीर देखे हैं उसके अंदर, आदरणीय शरद पवार साहब है, उसके बाजू सोनिया गांधी है, उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब है। अब ये तीनों को अगर आपने अलग अलग नजरिए से देखे तो शरद पवार साहब कांग्रेस से अलग क्यों हुए? क्योंकि मुझे सोनिया गांधी नहीं चलती थी, लेकिन अब साथ में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति इस बात के ऊपर थी कि हम ये कांग्रेस का विरोध करेंगे, राष्ट्रवादी का विरोध करेंगे, लेकिन अब वो भी दोनों के साथ में अगर आ गए हैं। अब मैं ये तीनों उम्मीदवारों के जो प्रचार यहाँ पर चल रहे हैं, ये एक स्टेज के ऊपर ये नेता आए कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के, और इन्होंने एक स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये घोषणा करें कि ये इलेक्शन जो है ये औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ का है या शिवसेना औरंगाबाद को जो नाम दी है उसका है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहते उन्होंने बता देना चाहिए, या कैंडिडेट्स ने बता देना चाहिए कि मैं औरंगाबाद का उम्मीदवार हूँ या जो नाम शिवसेना चाहती है शहर को देना उसका उम्मीदवार। ये एक प्लेटफॉर्म के खड़े रह के एक नाम के ऊपर समझौता नहीं कर सक रहे हैं। तो आप बताइए ये स्टूडेंट्स के मुद्दों को कहां तक लेकर जाएंगे? आपको देखिए 2014 में जब मैंने अपना चुनाव लड़ा था, मैंने पूरे मेरे यूट्यूब के पूरे विजुअल्स निकाल के मैंने मीडिया को बताया था कि मैंने 2014 से 2019 जब मुझे विधानसभा के अंदर जाने का मौका मिला आप लोगों की वजह से, तो मैंने किन किन मुद्दों को वहां पर उठाया है। दुनिया से कोई चीज छुपी नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। अब ये जो उम्मीदवार खड़े हैं इन्होंने बताना चाहिए हमको कि मुझे 5 साल 6 साल का समय मिला था, मैंने आपके ये मुद्दे बताए हैं, उठाया है। ऐसे बोलिए मत, आप स्क्रीन लगाइए, वो स्क्रीन का इंतजाम हम करके देते हैं आपको, पूरा उसका जो भी खर्चा आएगा हम करवा के देते हैं। हमारे खर्चे से आप मीडिया वालों को बुलाइए, उनका नाश्ता पानी भी अगर करने का है, जो भी मीडिया का हॉल अरेंज करने का हम करवा के देंगे। लेकिन आप बताइए कि 6 साल के अंदर कितने आपने स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स के मुद्दों को आपने विधान परिषद के अंदर उठाया है? आज कितने सारे इश्यूज को अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि नेट सेट पीएचडी धारकों का मांगे 10 वर्षापासून भर्ती नहीं, आप नेट करवा ले रहे हैं लोगों को कि नहीं? हर साल बेचारे हजारों की तादाद के अंदर, नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोग जाके नेट का एग्जाम दे रहे हैं इस उम्मीद के ऊपर कि अपना पास हो गया तो मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो कॉलेजेस के अंदर कैसे हो रहे हैं? ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं कि पोस्ट तो निकलती है लेकिन आपको 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये देना पड़ता है। हर शिक्षण क्षेत्र का यही धंधा चल रहा है। यानी कि कुणाल खराज जैसा जो पीएचडी पास हुआ लड़का है, वो जिंदगी में कभी अगर ईमानदारी से अगर वो एक लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको इन शिक्षण सम्राटों को 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपये देंगे तब जाकर ये शिक्षा के अंदर है तो आगे बढ़ेगी। मतलब अब ऐसा लोग जो आ रहा है उनको अपना एक शिक्षक बना बनो और वही शिक्षकों को फिर मजदूर की तरह इस इलेक्शन के अंदर यादियां दो और यादियां देकर उनको पूरे उसके अंदर दौड़ाओ कि आप हमारे लिए काम करो। एक शिक्षक का दर्जा क्या होता है आप देखिएगा, उस दर्जे को इतना नीचे गिरा दिए है कि आपने चाइना के अंदर अगर मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन अगर कोई है तो वो टीचर्स का है, सबसे ऊंचे मकाम के ऊपर, बाकी और किसी का भी नहीं है। ना नेता आते हैं वहां पर, ना एमपी एमएलए, कुछ भी नहीं, सब शिक्षकों के नीचे आते हैं। अरे हमारा एक देश ऐसा बना दिए है कि टीचर्स को मजदूरों की तरह आपको यादियाँ दो और वो यादियों के जरिए हमें उनका काम करवा के। हमारी सिर्फ ये अनुरोध है लोगों से कि हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है, जिसे करे शिवसेना विरोध करते हैं उनकी काम है। लव जिहाद का सपना पर तुम्हारा फक्त हे सांगायचे आहे की हे भारतीय जनता पार्टी ला लव काय असतं ते माहित नाही, त्यांनी देशासाठी कधी कधी आपला लव दाखवलेला नाही, संविधाना बाबतीत त्यांनी कधीही आपला प्रेम दर्शवला नाही, दाखवला नाही। आणि अशी पार्टी जेव्हा अशा प्रकारचे लव जिहादचं हे नया कायदा कानून आणतं, आम्हाला फक्त हे विचारायचं आहे की आपण हे कायदा आणलेला आहे आणि अमित शहा साहेब मोदी साहेबांना हे प्रश्न विचारतो की आता कायदा आलेला आहे
तुम्ही या कायद्याखाली सर्वप्रथम एक एक्झाम्पल सेट करण्यासाठी आपल्या पार्टीमध्ये जे वरिष्ठ नेते आहेत ते मुख्तार अब्बास नकवी ज्यांनी लव जेहादची सुरुवात केली भारतीय जनता पार्टीमध्ये, शाहनवाज हुसैन ज्यांनी लव जेहादची सुरुवात केली आणि इतके मोठे पदावर घेऊन बसलेले आहेत, त्यांची बायको जे आहे ना ते दुसऱ्या जातीची धर्माची आहे, मग आम्हाला हे विचारायचे आहे की भारतीय जनता पार्टीमध्ये लव जेहाद चालणार पण दुसऱ्या कोणीही ते करू नये. आता तुम्ही कायदा आणलेला आहे, तुम्ही एक एक्झाम्पल सेट करण्यासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. मुख्तार अब्बास नकवीला आणि शाहनवाज हुसैनला जेलमध्ये टाका या कायदा कानून खाली, आणि नंतर आपण बघू ना. आपण लोकांना सांगता येईल आपल्याला की बघा बघा हे आमच्या पार्टीमध्ये होते, त्यांच्यावर आपण कडक कारवाई केलेली आहे. काय आहे की जे आज देशासमोर जे गंभीर विषय आहे त्या विषयीच्या बाबतीत कोणीही बोलू नये. म्हणजे आपण आज अनएम्प्लॉयमेंटच्या बाबतीत बोलत आहे का, इतकी बेरोजगारी वाढलेली आहे, लाखोंच्या संख्येने लोक बेरोजगार झालेले आहे पूर्ण देशामध्ये. आज जे महागाई वाढलेली आहे, इकॉनॉमी आपण कशा रिवाईव्ह करता येईल, करोनाची भीती इतकी आपल्याला दाखवण्यात येत आहे की ती लस कधी येणार, आता पुन्हा लॉकडाऊन होणार, लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. पण काय आहे की आपण फक्त लव जेहादच्या बाबतीत आता डिस्कशन करणार आहे. तुम्ही बघा, मी आपल्याला सांगतो की 8 दिवस आता हे सगळं जितकं इश्यूज आहेत ते फक्त बस्त्यामध्ये गेलेले आहे. आपण काय डिस्कस करणार आहे, लव जेहाद असं केसेस आणणार आहे की बघा काय आपल्याकडे कायदे कानून खूप आहे या देशामध्ये, की सीआरपीसीचा काय कायदा आहे त्यामध्ये आहे, आपण ऍक्शन घेऊ शकतो कोणीतरी फोर्स्ड कन्व्हर्शन करत असेल तर. आपल्याकडे आयपीसीचे सेक्शन्स आहे, अनेक सेक्शन्स आहे ज्या कायद्या खाली आपण हे सगळं कारवाई करू शकतो. पण एखादा कुठेतरी असं झालेला असेल आणि त्याला सगळ्याला एक असं मोठं स्वरूप देऊन एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट करण्याचा हे उद्देश आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की मोदी साहेब, तुम्ही सत्तेमध्ये आलेला आहे, तुम्हाला जितकं कायदे कानून जे आणायचे आहे तुम्ही आणा, पण या समाज घाबरणार नाही. तुम्हारे साथ कभी डरने वाला है नहीं, उसके हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे. आप कायदे लेके आइए, आपने सोचा पहले है कि हम पोस्ट बंद करवा लेंगे तो ये मर जाएंगे, आपने सोचा कि ट्रिपल तलाक का कानून लेके आएंगे तो मर जाएंगे, आप सीएएनआरसी का लेके आएंगे तो मर जाएंगे, अब आप ये लेकर आ रहे हैं लव जिहाद तो हम खत्म हो जाएंगे. नहीं, हम खत्म नहीं होंगे, हम हमारा लव जारी रखेंगे. देश के लिए हमारा जो लव है वो हमारा रहेगा. अब उसका आपको क्या नाम देना है, आप नाम दे देना. सर, एजुकेशन माफिया जो है तो 20-25 लाख में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? 20-25 लाख नहीं, अगर कोई होगा 20-25 लाख वाला दुकानदार तो बताइएगा उसने ना. मेरे हिसाब से उसका रेट ज्यादा है उसने. मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज शिक्षण क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा का स्तर नीचे गया है उसकी मुख्य वजह यही है कि ये ठेकेदारों ने कॉलेजेस खोल डाले हैं, ठेकेदारों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल डाले थे. अब मैं कितना भी शिक्षा हासिल कर लूं, डबल पीएचडी कर लूं, अगर मैं वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्ज करता हूं तो सबसे पहले ना मेरा रिकॉर्ड देखा जाता है, ना मेरे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है देखा नहीं जाता है. मैंने थैली कितनी बड़ी लेकर आया हूँ, 25 लाख देगा, 30 लाख देगा, 40 लाख देगा, ये हकीकत है, ये सच्चाई है. किसी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इससे छुटा नहीं है. तो ये चीज को बंद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे सब कानून ये बुलाने की जरूरत है. और जब कोई शिक्षित लड़का अगर इस क्षेत्र के अंदर आता है जो सही तरीके से नुमाइंदगी वहां पर कर सकता है, कोई ठेकेदार या कोई कंडोम का कारोबार करने वाले लोग अगर आ गए तो मेरे हिसाब से ये स्थिति सुधरने वाली नहीं. एक मुस्लिम आरक्षण धक्का बस्ता रहा है, आम्ही ठेका नाही घेतला ना, आम्ही ठेकेदार नाही आहे की आम्ही काँग्रेसचा ठेका घेतलेला आहे किंवा राष्ट्रवादीचा ठेका घेतलेला आहे किंवा शिवसेनेला आपल्याला बाद करायची आहे, आम्ही असा काही नाही आहे. आमची वेगळी पार्टी आहे, आम्हाला कुठे निवडणूक लढायची आहे नाही लढायची आहे ते आम्ही निर्णय घेणार आहे. आम्ही असं नाही आहे की आम्ही निवडणूक लढण्यासाठी उद्धव साहेब आम्ही इथे लढू का, पवार साहेब आम्हाला सांगा ना आम्ही इथे किती सीट्स लढायचे आहे, किंवा सोनिया मॅडम आम्हाला सांगा ना उसमें आम्हाला इथे मत मिळतील का, नाही.
आमची वेगळी पार्टी आहे आणि तसंच प्रकारचे हे आरोप जे आहे ना बिहारमध्ये, आणि बिहारमध्ये आम्ही काय करून आलेले आहे हे आपल्याला माहीतच असेल की पवारसाहेबांची पार्टी कमीत कमी मला असं वाटतं की 150 सीट्सवर निवडणूक लढली बिहारमध्ये. शिवसेनेचे आमच्यापेक्षा जास्त सीट्स ते लढले बिहारमध्ये. चंद्रकांत खैरे साहेबही तिथे बिहारमध्ये आले होते प्रचारासाठी, आणि सगळं जितके कॅन्डिडेट्स होते सगळ्यांची डिपॉझिट जप्त झालेली आहे. एकाही कॅन्डिडेट निवडण्याच्या तर खूप पदवीधर निवडणूक हम लड़ेंगे करके. उस वक्त हमको पता भी नहीं था कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है. जब हमने आंकड़े निकाले कि इससे पहले के इलेक्शन के अंदर जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, उससे पहले कितने वोट मिले थे, तो हमको ये एहसास हुआ कि अगर हम पूरी ताकत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं तो कुणाल खरात जैसे लड़के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो एक यूनिवर्सिटी के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम समाज के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लड़कों को आमदार बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये आप जो सवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि बिहार के अंदर हमारी पूरी यूनिट वहाँ पर गई थी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल का इलेक्शन था. उसके अंदर कुणाल खराब खुद एज ए जो यहाँ का कैंडिडेट था उसको भी ये पता था कि मेरे लिए प्राथमिकता जो है कि मैं बिहार के अंदर जाकर इस मूवमेंट के अंदर मैं शामिल हूँ, तो वो भी अमोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी उसकी जिम्मेदारी कुणाल खराब के पास. कई गाँव के अंदर 20 दिन तक कुणाल खराब और उसकी टीम जितनी भी थी वो कैसी जगह के ऊपर रहे बिहार के अंदर. आपको बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, हम सब अलग अलग जगहों से एयरपोर्ट के ऊपर आए और वहीं पर ये तय हुआ कि भाई अभी इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, अब हमारे को इलेक्शन उतरना है. तो हम आए औरंगाबाद में आते ही हमसे ये कर डाले. अब आप जो कह रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, अब हर पत्ता थोड़ी इतनी आसानी से खुलने वाले हैं. हमारी तैयारी क्या है कि आपको 2014 में भी तो कहते थे लोग, 2019 में भी तो कहते थे कि इनकी तैयारी क्या है, इलेक्शन में कैसा उतर रहे हैं. दो बार कैसे हो गया. इस बार कुणाल खरात के साथ देखिए, इलेक्शन में जब उतरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम पूरी तरह से दावा करके उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. हमने इलेक्शन में जब उतरा था 2014 के अंदर हमने लोगों को नारा दिए थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे जीत और हार का जो भी फैसला होगा. अब अगर आप कहेंगे कि नहीं आप कोशिश ही मत करिए, आप घर पे बैठिएगा साहब, उतर लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए ना करके, हम भी लड़ेंगे. हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आज नहीं तो कल हमारे को समझना है कि हमारा पोजिशन कहाँ है, हमको कितना वीकनेस है, कहाँ पे है करके. हमने ये इलेक्शन का निर्णय लेने से पहले कल हमारे जालना नांदेड़ बीर परभनी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे स्टूडेंट विंग के मेंबर्स हैं, उनको बुला के एक मीटिंग उनके साथ किए और सबसे राय मशवरा लिए कि भाई हम ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर काम करेंगे, आप इसके अंदर मेहनत करेंगे. ये सब ने इत्तेफाक राय से बताया कि साहब हम पूरा करेंगे जल्दी, और सिर्फ पूरा करेंगे नहीं, उनको ये भी बता दिया गया है कि जहाँ पर जिस जिले से अगर कम वोटिंग आएगी तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा. ऐसा नहीं है कि मैं पद लेके बैठ गया हूँ और मैं जिला अधिकारी तो मैं जिला अध्यक्ष हो गया हूँ और मैंने इलेक्शन लड़ा हो पत्र लड़ा होगा. उनको लिस्ट दे दी गई है कि भीड़ के अंदर इतने वोटर्स हैं, जालना में इतने वोटर्स हैं, आपका काम है आप वहाँ पर कितनी ताकत करके लड़ाई दे देंगे. जो काम करेगा वो मजलिस के साथ रहेगा, जो नहीं काम करेगा वो घर पर बैठेगा. एक राजकीय प्रश्न आ रही भाजप कडून दौजी हात काय क्या है, हम जीत सकते हैं क्या, बहुत प्लानिंग लगती है. यही सोच जो थी ये वो सोच है जो हम औरंगाबाद से कभी है तो खासदार चुन के आ सकता है क्या,
तो उस वक्त भी लोग हमको सवाल उठाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे कि अरे जबरदस्ती में है, कोई ऐसा हो सकता है कहते थे। लेकिन क्या हुआ, आज ईमानदारी के साथ अगर कहें अरुण बोर्डे, गौतम खराग साहब, अगर इनका समाज अगर नहीं रहता तो हम कभी भी नहीं बन सकते। ये समाज ने पूरी ताकत के साथ हमारा साथ दिया तो आज हम वहाँ पर लोकसभा तक पहुँचे और हम जिंदगी भर इस बात को कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आज जो एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, हमारा कुछ है नहीं, हम इसके अंदर आ सकते हैं क्या, हम सिर्फ लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि एक मरतबा एक कोशिश करके देखिएगा। और कोशिश कहते हैं ना कि कस्बे वाले भूल जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है, तो एक बार एक कोशिश हमने कामयाब करके दिखाई है, ये कोशिश भी हमारी पूरी रहेगी। जितना भी ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ग्रेजुएट्स हैं, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर आपने हमारे जो उम्मीदवार है कुणाल खराग, उनको आप भारी मतों से कामयाब करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से कुणाल खराग का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी, सेकंड पीएचडी, पहली एक पीएचडी हो चुकी है और मैनेजमेंट साइंस के अंदर एक सेकंड पीएचडी। मैं तो यह समझ रहा हूँ कि हमारे में से कोई भी इतना शिक्षित नहीं होगा जितना, अगर ऐसे लड़कों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप बताइए जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका शिक्षा कितना कहाँ तक हुआ है, यहाँ ठेकेदार ही मतलब वहाँ पर जाएगा, जितने भी बड़े बड़े गुप्तेदार हैं वो भी अब शिक्षा के उसके अंदर चले जाएंगे, तो कहाँ पर हमारे मसले हल होने वाले हैं। वो मसलों को हल करने के लिए हमको सभी जाति धर्म मजहब के लोगों से हम ये अनुरोध करेंगे कि एक शिक्षित लड़के को अगर आप वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी देते हैं तो वो छात्रों के लिए भी करेगा, विश्वविद्यालय के नाम को ऊंचा करने के लिए भी पूरी कोशिश करेगा, यही हमारे आपसे अनुरोध है। सरांनी शिवसेनेत जाण्यापूर्वी राजीनामा देताना सांगितलं होतं की मुस्लिम आणि मराठा आरक्षणासाठी मी राजीनामा देतो, नवाब मलिक होते त्यांनी पण विरोधात असताना मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली होती, असलम शेख यांनी पण केली होती, आता हे तिन्ही नेते मुस्लिम सत्तेत असताना मुस्लिम आरक्षणाबद्दल काहीच बोलत नाही, तुमची काय? मुस्लिम समाजाला जे लोक आज काँग्रेसला, मुस्लिम समाजातले जे पुढारी किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आहे त्यांना हे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे की 2014 ते 2019 मध्ये मीही आमदार होतो आणि विधानसभेमध्ये जेव्हा आम्ही बसायचं तर हे जे मुस्लिम पुढारी होते ते नवाब मलिक असू द्या किंवा अब्दुल सत्तार असू द्या, आरिफ नसीम खान असू द्या, अबू आसिम असू द्या, ते सगळे लोक उभे राहायचे आणि देवेंद्र फडणवीसला विचारायचे की तुम्ही का मुसलमानांना अन्याय करत आहे, तुम्ही का रिझर्वेशन देत नाही, म्हणजे त्यांचे रेकॉर्डिंग मेसेजेस आहेत की भाषण इतकं मोठं जोरात की मतलब त्यांची ते लोकांना असं वाटायचं की बाबा बघा की किती आपल्यासाठी ते भांडत आहे, लढत आहे। आता आम्हालाही प्रश्न विचारायचा आहे की म्हणजे जेव्हा विरोधी पक्षामध्ये होते तर खूप जोरात ओढायचे आणि कुणाकडून मागायचे तर भारतीय जनता पार्टीकडून ज्यांना मुसलमानांची काही देणं घेणं नाही, ते आपला शत्रू नंबर वन कुणाला मानत असेल तर या देशामध्ये राहणाऱ्या जे मुसलमान आहेत त्यांना शत्रू मानतो, त्यांच्याकडून ते रिझर्वेशन मागत होते। सत्तेमध्ये आलेले आहे ना, मग का देत नाही, मग असंच लोकांना अल्लू बनवण्याचा धंदा करत आहे का? म्हणजे त्यावेळी इव्हन शरद पवार साहेबांनी म्हटलेलं होतं, काँग्रेसचे सगळे वरिष्ठ नेते आणि भाषणं आहेत त्यांचे, पृथ्वीराज चव्हाणने भाषण केलं होतं की मुसलमान मुक्ती नाही दे रे, विखे पाटील त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते, आता ते गेलेले आहे, सगळे जे मोठे मोठे पुढारी आहेत त्यांचे भाषणं आहे युट्यूब वर, तुम्ही बघा की मुसलमानांच्या बाबतीत तसं हे करायचे आहे। तर आम्हाला हे सांगायचे आहे की मतलब विरोध में रहेंगे तो जनता को सिर्फ घुमाने के लिए अब सत्ता में है, एक दिन के अंदर ये फैसला कर सकते हो, आप ऑर्डिनेंस लेकर आइए, आपके पास तो पूरा बहुमत है, पूरा बहुमत है, आप एक्ट बना के है तो मुसलमानों को जो कोर्ट में 5% का रिजर्वेशन दिया है उसके तहत दे सकते हैं। और ये सवाल मैं नहीं पूछना चाहिए, वो सफेद कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी लगा के जो राष्ट्रवादी के पीछे घूमने वाले जो छोटे छोटे पद हासिल करने के लिए, साहब ये चैंपियनशिप मिल जाएगी क्या, साहब ये पद मिल जाएगा क्या मुझे, सारी पुलिस स्टेशन का मेरा काम है, ये मेरे बच्चे फंसे हुए रहते हैं, ये जो नफरे करने वाले जितने नेता है उसके मुसलमान समाज होते उनको है तो शर्म आनी चाहिए और उन्होंने पूछना चाहिए कि भाई कल हमको भी जनता के बीच में जाने का है, सिर्फ फॉर्म की दलाली करने का काम छोड़ दीजिएगा उसका,
ये धंधा जो फॉर्म को बेचने का काम करते हैं ये सब बंद कर दीजिएगा उसके अंदर। आप जाके आए तो वट से है तो खड़े रहिएगा शरद पवार साहब के सामने कि साहब यह समाज तुमचा सोबत होता मागचा 70 वर्ष बने। कांग्रेस को पूछिएगा 70 सालों से बोलना एमआईएम तो ठीक नहीं करती, एमआईएम तो अभी आई है बोलना, उसमें हमने तुम्हारा साथ दिया, हमारे पूरे समाज ने तुम्हारा साथ दिए है, तब तुम जाके सत्ता बनाते थे। आप बताओ बोलना कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं जब कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है, माझ्यासोबत सन्माननीय गौतम खरात साहेब जे आमचे कॅन्डिडेट कुणाल खरात साहेब आणि एक चडवडीचे खूप तडफदार नेते गौतम खरात साहेब आहे। आमचे पार्टीचे नव निर्वाचित शहर जिल्हा अध्यक्ष शालिन लक्ष्मती साहेब आहेत, अरुण बोडे आहे, आमचे सगळे स्टुडंट कमिटीचे पदाधिकारी हे लोक आलेले आहेत। आजचा विषय फक्त याच्यासाठी आहे की एमआयएम पार्टीने यावेळी ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीसाठी आमचे एक खूप युवक शिक्षित उमेदवाराला आपण तिकीट दिलेलं आहे ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीसाठी। ते सध्या मराठवाड्याच्या विभिन्न भागात ते प्रचारासाठी फिरत आहे आमचे पार्टीचे वरिष्ठ नेता डॉक्टर गफ्फार खादरीसोबत। ते जालना, परभणी, नांदेड, काल ते लातूरला होते, उस्मानाबादला आहे, तर सगळं रिजनमध्ये ते फिरत आहे प्रचारासाठी। म्हणून मी आणि गौतम खरात साहेब त्यांच्या वतीने आज इथे उपस्थित आहे की आपण जे जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवलेली आहे ते कशा काय पार पडणार आणि त्यांचा उद्देश काय आहे या इलेक्शनमध्ये उभे राहण्याचा, तर आपण जी एक त्यांच्या वतीने पार्टीच्या वतीने एक जाहीरनामा हा डिक्लेअर केलेला आहे, तर ते सर्वप्रथम आम्ही ते जाहीरनामा आपल्याला रिलीज करत आहे। तसेच आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने सुद्धा मी या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधला। एमआयएमचा जो कॅन्डिडेट दिलेला आहे त्यांनी या ठिकाणी विचार करूनच कॅन्डिडेट दिलेला आहे आणि खासदार साहेबांनी जे काही मेहनत या ठिकाणी घेत आहेत त्यांचे डॉक्टर साहेब गफ्फार साहेब मेहनत घेत आहेत, मला वाटतं प्रचंड अशी मेहनत त्यांची सुरू आहे मराठवाड्यामध्ये। आणि एवढंच आम्ही करू इच्छितो की जसं त्यांनी प्रामाणिकपणे सांगितलं की औरंगाबाद शहरामध्ये जे काही खासदारांच्या मतदानाच्या वेळेस जे इथला बौद्ध समाज आहे दलित समाजाने 100% मतदान केलेलं आहे त्या मतावरती निवडून मिळालं नाही आणि त्याची परतफेड करण्यासाठी एक छोटासा प्रयोग त्यांनी पुनर्च्या माध्यमातून केला असावा अशी माझी दाट शक्य मला माझं समज आहे। मी या निमित्तानं तुम्हाला विनंती करतो की मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आंबेडकरी समाज आहे, बौद्ध समाज आहे आणि एकीकडे कुणालसारखे एक उच्च शिक्षित उमेदवार आणि दुसरीकडे जर आपण नेहमी जे बघतोय भाजपचे उमेदवार आहे त्याच्या बाबतीत काही जास्त सांगायची गरज नाही, वर्तमानपत्र छापलेलं आहे त्यांचे काय कारणे आहेत, एकीकडे जे टेंडरवाले आहेत ते सत्तेमध्ये आहेत फक्त सत्तेचा फायदा तर टेंडरच्या आणि ठेकेदारीसाठी घेतलेला आहे असे गेल्या अनेक वर्षापासून शहरामध्ये वास्तव्य आहे। असे जे दोन दिग्गज उमेदवार आहेत यांच्यापेक्षा हा उमेदवार शिक्षणामध्ये नक्कीच मोठा आहे, कर्तृत्वामध्ये सुद्धा नक्कीच मोठा आहे, पैशामध्ये आणि जातीच्या संख्येमध्ये किंवा सत्तेच्या याच्यामध्ये त्याचा काही फार काही प्रभाव नाही। परंतु मला खात्री आहे की महाराष्ट्र मराठवाड्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आमचं काम आहे ज्या ज्या ठिकाणी आमचे समाज आहे त्या सगळ्या बौद्ध समाज आणि आंबेडकरी समाज 100% या दोन्ही उमेदवारांना करून केवळ कुणाल खरातलाच 100% मतदान करेल आमची पूर्ण खात्री झालेली आहे। आम्ही सगळ्याच्या संपर्कात आहोत आणि काही सिम्बॉलिकली मतदान नाही ते नाव येणार आहे नावाकडे ती खुलीन त्या ठिकाणी एक दोन असं प्रायोरिटी द्यायची आहे तर नक्की मेजॉरिटीने एक नंबरचं मतदान कुणाला मिळणार आहे आणि नसेल समजा एखादा काही अडचणी असतील कोणाच्या तर दुसऱ्या नंबरचं मतदान सुद्धा कुणाला त्या ठिकाणी मिळण्याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे। आधी आमच्या माध्यमातून जेवढे काही वेगवेगळ्या पक्षात काम करणारे आमचे सहकारी आहेत तालुका तालुक्यामध्ये जिल्हा जिल्ह्यामध्ये ते सगळे कामात लागलेले आहेत आणि मला वाटतं कुणालचा विजय हा फार जवळ आहे आणि लोकांना वाटत असेल की ट्रँग्युलर फायदा असं आम्हाला वाटतं आणि याच्यामध्ये खासदार साहेबांचा जसा काही चमत्कार झाला तसा चमत्कार होण्याची आम्ही अध्यक्ष व्यक्त करतो आणि आम्हाला खात्री आहे की कुणाल हा विजय होईल आणि पुन्हा एकदा खासदारांच्या भक्कमपणे पाठीमागे उभा राहील असं म्हणतो। मतभेद है और रहेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है हम वो गलत के लिए खामोश बैठे रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इन्होंने जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल अपने जाती फायदे के लिए करना शुरू कर दिया है, चाहे फिर वो NIA हो, CBI हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो। इनका इस्तेमाल जो है ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कामों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके गलत जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ये जो कार्रवाई है हम समझते हैं उसी का एक हिस्सा है कि आपने एक हीरोइन के खिलाफ इतना बोल दिए थे सरनाइक साहब ने, तो वहाँ पर बैठे हुए लोग जितने भी हीरो लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर उनको लगा कि अच्छा हमारी हीरोइन के बारे में इतना बोल रहे हैं करके अब ये मामला ख़त्म होने दो, हम देखो दिखाते हैं करके, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को भेज दिए है बम्बई को। अब उसके खिलाफ हमारा ये कहना है कि ये देश के लिए बहुत घातक है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक चीज़ कर रहे हैं। सरकार है मोदी साहब की, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन इस तरह अगर सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल अगर आपने करना शुरू कर डाला तो ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। पदवीधर इलेक्शन में जो अभी कैंडिडेट है एक कंडोम घोटाले का है और एक NCP का बड़ा गुत्तेदार है। देखिए मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया है, आप ही कह रहे हैं कि कैंडिडेट किस तरह के है करके। एक कैंडिडेट का कुछ रिकॉर्ड ये है कि मतलब वो कंडोम घोटाले के अंदर शामिल थे कंडोम, और दूसरे जो साहब है वो बहुत बड़े ठेकेदार है। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन MCOM किया हुआ है, LLB किया हुआ है, PhD किया हुआ है एक सब्जेक्ट के अंदर, और अब सेकेंड PhD कर रहा है मैनेजमेंट साइंस के अंदर। तो अगर ये लोग अगर नहीं जाएंगे और वहाँ पर ठेकेदार अगर जाएंगे तो ये ठेकेदार वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जाकर अपने अपने शिक्षण संस्थाएँ खोल डाले हैं, अपने स्कूल्स कॉलेजेस खोल डाले हैं, और अब बस टीचरों को अपॉइंट करने के लिए 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपये दो और वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लो करके। अब हमारे जैसे कुणाल खराज जैसा लड़का जो इतना हाईली एजुकेटेड है, अगर वो अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाता है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। और हकीकत तो ये है ये वो कैंडिडेट्स उसके खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होना चाहिए इसका विरोध किया था, वो लोग आज इस विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हम इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अरे कुणाल खरात जैसे लोगों का, उनके परिवार के लोगों की मेहनत थी कि जा आज मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नाम बाबा साहब का दिया गया है, और आज अब सत्ता के खातिर है तो आप पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए। सर आपकी क्वेश्चन किसानों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के कर्ज माफी को लेकर घोषणाएं करती है लेकिन उन्हें अब तक की कर्ज माफी नहीं मिली। देखिए ये हकीकत है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं तो वो इस उम्मीद से हमारे तरफ देखते हैं कि साहब अभी हमने सुना था कि अभी किसानों के लिए है तो कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई है, वो पैसा कब तक आने वाला है करके। ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रहती है, हकीकत के तौर के ऊपर आप ज़मीनी स्तर के ऊपर जाएंगे, हमने खुद ने दौरा किया था, मैंने यहाँ के वैजापुर गंगापुर कन्नड़ इलाकों के अंदर जाकर जब ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हमने जाकर वहाँ पर खुद किसानों से बात की, और उनकी हालत देखने के बाद जिलाधिकारी साहब भी साथ में थे, एक मंत्री भी हमारे साथ में थे, तब जाकर हमको हकीकत पता चली कि कितनी गंभीर स्थिति है। और ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और किसानों के बैंक खाते के अंदर कुछ जमा नहीं करना तो किसानों के साथ धोखाधड़ी है, और अब ये सरकार जो है सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं अब सबके साथ धोखाधड़ी कर रही है।